हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब ठीक होंगे। तो ये व्लॉग मैं चालू कर रहा हूँ और अब मैं जाने वाला हूँ बंगलोस और विलास देखने के लिए। एक्चुअली अब मीरा रोड में भी देखूंगा। एक्चुअली मीरा रोड में मेरे को मिल नहीं रहे, तो मेरे फैमिली वाले बोल रहे कि गोराई साइड में देख, क्योंकि वहाँ रिसोर्ट टाइप में मिल जाएगा। ये लोग को मचाने के लिए मस्त पूरी रात मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर मीरा रोड में लूँगा तो 10 बजे के बाद कुछ शोर शराबा नहीं कर पाएंगे। लेकिन गोराई साइड में क्या मतलब आसपास को रेसिडेंशियल नहीं है ना, तो ये लोग पूरी रात भी ये लोग मस्ती कर सकते हैं, डांस वांस कर सकते हैं। तो अब फिलहाल तो अभी मैं जा रहा हूँ घर वालों के साथ यहीं पर ही मीरा रोड में देखने को, देखता हूँ अगर ये पसंद आया इनको तो। और फिर मैं बाद में मैं गोराई भी जाऊँगा। अब मेरा एक दोस्त है तो उसके साथ मैं गोराई में एक राउंड मार के आऊँगा। पहले मैं देख के आऊँगा 4-5 प्रॉपर्टी, फिर उसमें से मैं शॉर्टलिस्ट करूँगा और फिर उसमें से 2-3 शॉर्टलिस्ट करके मैं फिर घर वालों को लेके जाऊँगा कि देखो तुम लोग ये मैंने शॉर्टलिस्ट किया है। फिर हम बैठ के डिसाइड करेंगे कि मीरा रोड में बंगला करना है या गोराई साइड में विला या रिसोर्ट करना है। पर गोराई साइड में ये बेनिफिट है, उधर स्विमिंग पूल वगैरह सब मिल जाएगा, मतलब आसपास कुछ डिस्टर्बेंस जैसे ये कुछ नहीं है। अगर लाउड म्यूजिक भी प्ले किया तो भी आसपास वालों को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर वो प्रॉब्लम ज़रूर फेस करना पड़ेगा अगर यहाँ पर करते हैं तो। भाई तो भाई सिंपल सी बात है, यूपी वाले शोर शराबा तो होगा ही, डेफिनेटली होगा। तो चलिए अभी देखते हैं। मैं भी तैयार हो गया हूँ, मम्मी भी रेडी हो रही है, नाना भी जा रहे हैं, मामा भी पहुँच जाएंगे अभी दो या तीन मिनट में। तो चलिए निकलते हैं यहाँ से, पहले मीरा वाला बंगला देखते हैं। चलो चलते हैं। वहाँ से भैरव से राइट मार रही हूँ। चलो रिक्शा भी आ गया, या पीछे ही पीछे चलो साथ में। बाहर का एरिया भी तो अपना ही है, फिर बैठने उठने के लिए यहाँ पर है एक रूम। आप देख लीजिए फिर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। रूम भी अच्छे है। बालकनी एक छोटी सी सामान अमन के लिए। ये दूसरा है वॉशरूम है, अच्छा तो है। दो ही है और तीसरा ऊपर है, ये तीसरा है। टेरेस नहीं खुलेगी, और यहाँ पर देखने के बाद मैं निकल गया था अपने दोस्त के साथ गोराई और मनोरी। ये थी एक पहली प्रॉपर्टी। ये पहली प्रॉपर्टी में कुछ मतलब ज़्यादा रूम्स नहीं थे, लेकिन इसको पूरा बुक कर सकते हैं। तो वही मैं पहले ये प्रॉपर्टी देख रहा था कैसी है, कैसी जगह है। ये है वो जगह जो सबसे पहले मैंने देखी थी। अच्छा, इसमें स्विमिंग पूल भी है और आसपास कुछ चीज़ें भी नहीं है ताकि कुछ शोर शराबा हो। फिर ये थी सेकंड प्रॉपर्टी जो मैं देखने आया था। ये भी गोराई साइड पे ये पड़ता है। यहाँ ये सामने वाइट बिल्डिंग में पूरे रूम्स है। फिर वहाँ से गए गोराई बीच, पास में था एक्चुअली। बीच से राइट मार के भी एक था, लेकिन जाने की ये जगह नहीं थी, मतलब पूरा पानी आ गया था। और एक तो यहाँ पर वीक डे पे मतलब इतनी भीड़ थी ना, क्या बताओ। फिर ये थी एक थर्ड प्रॉपर्टी जो गोराई बीच से थोड़ा डिस्टेंस पर है, वाटर किंगडम जाने के रोड पे। तो ये थी यहाँ पर, तो कम से कम ये 50-55 रूम थे, तो ये बहुत बड़ा पड़ता और ये बहुत एक्सपेंसिव भी था। और फिर यही रिसोर्ट में ये पूरी एक जगह थी 15 कॉटेजेस की। और लेकिन भाई ये 15 कॉटेजेस बहुत महंगे थे, मतलब मेरे बजट के भारी थे। तो इसके लिए मैंने सोचा चलो छोड़ो भाई, कोई और प्रॉपर्टी देख के आते हैं। और फिर उसके बाद मैंने देखी अगली प्रॉपर्टी जिसका है ये स्विमिंग पूल, और यहाँ पर एक छोटी सी जगह है। और ये पूरी प्रॉपर्टी है बीच फेसिंग, मतलब इसके सामने ही बीच है। सामने जो है वो है डॉर्मेट्री रूम्स, और यहाँ पर एक जगह है पार्टी फंक्शंस करने की। फिर ये थी उसके बाद वाली ये प्रॉपर्टी जो मैंने देखी। यहाँ पर ही 6 रूम्स हैं, यहाँ पर रूम में कम से कम बहुत सारे लोग आ जाएंगे। ये यहाँ का है स्विमिंग पूल, और राइट साइड में जो जगह है यहाँ पर आप अपने फंक्शंस कर सकते हो।
ये जगह मेरे को पर्सनली बहुत पसंद आई थी, और जो इसके रूम्स है, रूम्स भी बहुत बड़े हैं भाई। यहाँ पर गद्दे बिछा के सारे लोग सो जाओ, और रूम के अंदर भी एक रूम है और जहाँ पर बेड लगे हैं। और सबसे ज़्यादा स्पेशियस रूम मैंने ये देखा है अब तक, मतलब जितनी जगह चाहिए थी उतनी जगह ये रूम में ऑलरेडी है। और बाहर भी सेक्शन है, बाहर भी कुछ म्यूजिक व्यूजिक का कुछ टेंशन नहीं है, फुल नाइट प्ले करो कुछ टेंशन नहीं। भाई देख के आ गए, और जो मीराड वाला है वो घर वालों को इतना जमा नहीं, मतलब उनका ऐसा 10 बजे के बाद अगर कुछ भी म्यूजिक व्यूजिक प्ले किए तो फिर कंप्लेंट ना आ जाए आसपास वाले से। और जो मीराड का ये विला वाला है उसने भी साफ मना कर दिया है, अब म्यूजिक के बाद साउंड नहीं प्ले कर सकते। तो उनका ये था कि क्या मतलब, फिर मतलब सबका कहना यही है 10 बजे बाद तो हमारी पार्टी शुरू होती है, अब इनकी पार्टी चलेगी सो चलेगी। अब इन सबका कहना है कि करो अभी गोराई साइड में, अब इनको नेक्स्ट वीक लेके जाऊंगा तो वो भी दिखाऊंगा आपको जब फैमिली वगैरह को लेके जाऊंगा, और दिखाते उनको, देखते उनको कैसा लगता है, क्योंकि मेन तो मेन डिसीजन उन्हीं का ही है। अगर घर वालों को अच्छा लगेगा जहाँ पर वहाँ पर लेना पड़ेगा भाई, मतलब फंक्शन करने भाई 2-3 दिन के लिए चाहिए, बस मिल जाए कोई अच्छी जगह सॉर्टेड। चलो भाई, तो ये था मेरा आज का दिन, मिलते हैं आपसे कल। मैं पहुंच चुका हूँ दिल्ली, एक छोटे से काम से आया हूँ मैं, और वो है काम मेरे को लहंगा देखना था ट्विंकल के लिए। और मैं आया हूँ यहाँ पे सुबह, और ट्विंकल भी आई है आज सिंगापुर से, लकीली छुट्टी मिल गई तो मैंने बोला चलो चलता हूँ और लहंगा भी देख लेंगे क्या प्राइस पे इधर मिल रहा है, क्योंकि बॉम्बे में तो बहुत महंगे मिलते हैं। तो मैंने बोला चलो मैं आता हूँ, देखते हैं और लहंगा देखते हैं, प्राइस देखेंगे, अगर तेरे कुछ बाई चांस मतलब पसंद आता है तो चलो ये मुझे लेना है, ऑन द स्पॉट ले लेना। हाँ, अगर आज नहीं पसंद आता है तो हम आएंगे 2 महीने बाद फैमिली के साथ आएंगे, ठीक है? अगर आज पसंद आता है तो तेरे को लेना पड़ेगा, देखते हैं। मैं इसी शर्त पे आया हूँ क्योंकि तूने बोला था कि अगर मुझे पसंद आएगा तो मैं ले लूंगी। गर्मी तो बहुत है बॉम्बे से ज्यादा है, 39 डिग्री और इतना लू चल रहा है। शाम के 7 बज रहे हैं और ऐसा लग रहा है कोई गर्म ड्रायर चला रहा है, भीड़ भी बहुत है। चलते हैं देखते हैं, लोग बोलते हैं चांदनी चौक में सबसे बड़ी मार्केट है लहंगे की, मैं आया तो चांदनी चौक 2-3 बार, लेकिन आज ब्राइडल वेयर एक्सप्लोर करेंगे। और बाकी बोल रही है तुम शेरवानी भी इधर ही से ले लो, तो शेरवानी भी देख लेते इधर कैसी मिल रही है। बहुत शोर है, थोड़ा बैकग्राउंड म्यूजिक को इग्नोर करना। शुभारंभ शादी की शॉपिंग का, अगर पसंद आ गया तो ले लेना फिर। चलो कुछ चॉइस है, कलर चॉइस है या डिजाइन चॉइस है, हाथ के वर्क का चाहिए या कैसे टाइप में चाहिए, जोधपुरी स्टाइल में चाहिए, कैसे स्टाइल में चाहिए? सोचा है पर मेरे अभी तो दिन के ये 3-4 जो ये रील भेजती हो, मेरे को ऐसा लहंगा चाहिए ऐसा लहंगा चाहिए, तो उस हिसाब से ही देखेंगे ना शॉप्स में तो कैसा कहाँ क्या मिल रहा है, ना, सब एड्रेस वगैरह सब सेव किया। चांदनी चौक में ये शॉप है, ये गली में है, वो गली में, ये सब थोड़ी अंदर चल के जाना पड़ेगा, सब मैडम ने पहले इन्फॉर्मेशन निकाल कर रखी है। देख कितनी सारी शॉप है, सब गली गली के अंदर है। देख शेरवानी भी है,
जाते थोड़ा आगे चलते हैं फिर वहाँ से चलते हुए आएंगे। तो अभी हम एक शॉप में देख के तो आए हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी शॉप में वीडियोग्राफी नॉट अलाउड, फोटोग्राफी नॉट अलाउड। तो हम लोग ने एक स्कीम चलाई है बोल दो सेकंड है हाँ, जो दोनों मम्मी को वीडियो कॉल करके बताया था। लेकिन यहाँ ये है ना भाई, यहाँ पर ही डमी पीस बताते फिर 3 महीने बाद बना के हमें मिलेगा, ये है ना सीन। अंकित बजट बढ़ा लो अपने, हम ऑन स्पॉट हैं। अरे भाई लोग, मैं अंदर का नहीं दिखा पा रहा क्योंकि अंदर बिल्कुल वीडियो कॉल भी करने नहीं है, देर देर अंदर भाई। और शॉप बंद हो चुकी है, 9:30 बज गए। मैडम ने इतने सारे लहंगे देख लिए, मैडम थक गई है अभी। मैं थकी नहीं, कोई लड़की अपनी शादी के लहंगे के लिए थकती है? 4 लहंगे देख के बोलती है अंकित तो बस हो गया अब कल आएंगे, अब कल। अरे वो होता है ना कि वो एक ऐसा लहंगा जिसको देख के ऐसे लगे कि हाँ, वो एक पसंद आया था ना, वो दिस इज द वन वाला फैक्टर मुझे मेरे अंदर से आ गया। उसके बजट भी चाहिए ना, दिस इज द वन वाला फैक्टर। प्लीज बढ़ाओ अपना बजट ना। एक तो कोई ना वीडियो कॉल करने दे, ना वीडियो रिकॉर्ड करने दे, तो ऊपर से अंदर हम लोग ये ब्लॉग भी नहीं ये बना पा रहे हैं। अभी चलते, अभी मेरा मन हो रहा है छोले भटूरे खाने का, तो वो खाते फिर देखते कोई शॉप खुली रहेगी तो भाई जाएंगे अंदर लहंगा वहंगा देखने। एक दो तो पसंद आए हैं, एक दो का फोन नंबर भी लेके आए हैं, फिर सेलेक्ट करेंगे देखते कल। यहाँ पर दिल्ली आया और दिल्ली की चाट ना खाए, ऐसा हो सकता है? तो चलिए भाई, अब हो गई है संडे की सुबह। कल मैं और ट्विंकल गए थे लहंगा देखने के लिए, 6 बजे के आसपास गए थे, और 9:30 के बाद पूरी मार्केट बंद हो चुकी थी। तो हम लोग ने लगभग कुछ कितने 10 से 12 शॉप्स पे देखे, और एक दो शॉप्स पे पसंद भी आए थे। लेकिन अभी वहाँ पर सीन ये है कि अभी अगर हम बुक करते हैं और तो लहंगा मिलेगा भाई बन के 2.5 महीने बाद, कोई 2 महीने बाद दे रहा है, कोई 3 महीने बाद दे रहा है। और एक तो घर पे वीडियो कॉल करके भी नहीं बता सकते कि देख लो, और कोई कोई शॉप वाले ने दिखवा दिया था कि चलो आप वीडियो कॉल कर लो। तो एक पसंद भी आया था, लेकिन फिर भी आज हम वापस जाएंगे। अभी जाऊंगा, कितने बज रहे अभी, लगभग 12:30 के आसपास है, 1:30 बजे तक तैयार होऊंगा वहाँ से। फिर गुड़गांव जाऊंगा, पहले ट्विंकल को पिक करूंगा वहाँ से, फिर हम जाएंगे चांदनी चौक। यार बहुत लंबा पड़ जाएगा अभी। चलो ठीक है, जाना तो है ही, लहंगा दे लाना है। और चलो बस, अभी भाई मैं ये व्लॉग का मैं यहीं एंड करता हूँ। अभी जो आज जाऊँगा वहाँ से मैं एक नया व्लॉग चालू करूँगा, ठीक है? तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन करना, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना। जब तक अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।